हेलो एवरीवन आज मैं तुम लोगों के साथ सीए फाइनल ऑडिट एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल ऑडिट जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम आ रहा है वो प्लीज़ इस ऑडिट स्ट्रेटजी को ध्यान से सुने आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और मैं दो चार तुमको बोनस टिप्स बताऊंगा विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऑडिट एग्जाम ओके फर्स्ट बात तो ये है कि पचास तरह के डिस्ट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन से अपने आप को हटाओ जब आप ऑडिट पढ़ने बैठते हो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे बचो ऑडिट का टाइम ऑडिट को दो और डिस्ट्रैक्शन से भी बचो डिस्ट्रैक्शन कोई भी वो चीज होती है जो आपको आपके बने बनाए प्लान से भटका दे ठीक है दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन तो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है ठीक है अब वॉट इज द एग्जाम वेटेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन द फाइनल ऑडिट सिलेबस एज पर आईसीआई सी आई नाइनटीन चैप्टर है और उन्होंने क्लियर बोला है कि पहले 11 चैप्टर्स जो हैं ये फुल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर हैं और जिनका वेटेज आपके सामने लिखा है, पेपर का सेट होता है इसमें चैप्टर फाइव तो टू फिफ्टी फाइव परसेंट वेटेज है अगर मैं एवरेज भी बोलू तो पचास वेटेज है एग्जाम में पचास मतलब पेपर अगर एक मार्क का आ रहा है तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि साठ मार्क्स सिक्सटी मार्क्स इससे आएंगे एक सौ बीस में से सिक्सटी मार्क्स जिसमें एमसीक्यू भी होगा डिस्क्रिप्टिव भी होगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग वाला पार्ट ये फिफ्टी परसेंट का ऑलरेडी मैंने फुल महा मैराथन बना के डाल रखा है दो महा मैराथन वीडियोज आपको मिलेंगे महा मैराथन वन जिसमें पूरा वॉल्यूम ऑफ आई सी आई चैप्टर वन टू सेवन है और आपको एक महा मैराथन टू मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल में सी एफ एन ऑडिट मैराथन सी एफ एन ऑडिट मैराथन प्ले लिस्ट है सी एफ एन ऑडिट नहीं सी एफ एन ऑडिट मैराथन प्ले लिस्ट उसमें जाके देखना तो महामैराथॉन वन में चैप्टर वन टू सेवन है और महामैराथॉन टू में चैप्टर नंबर एट नाइन टेन इलेवन है तो ये ग्यारह चैप्टर्स का पूरा विल हेल्प यू लॉट इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं बोलूंगा आपको ये प्लीज इस ग्यारह चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो अब और भी बोनस टिप्स है इसको लेके मैं बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद सेकंड आपको सीधा अटैक करना चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स को प्रोफेशनल एथिक्स के लिए इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोला है सेवेंटीन टू ट्वेंटी फोर परसेंट है मतलब मैं एवरेज में बोल रहा हूँ साढ़े बीस परसेंट बीस परसेंट बोल लेते हैं एक बार ठीक है ये ट्वेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू सी मिला के आएगा इस पर भी ऑलरेडी मैराथन जा चुका है तीन घंटे का मैराथन होगा जो मैंने कुछ दिनों पहले लोड किया था और मैराथन लेने में मुझे बहुत टाइम लगता है एक चैप्टर का जो मैराथन होता है वो रफली दो तीन चार दिन तक चलता है इट्स वेरी हार्ड टू टीच विदाउट स्टूडेंट्स ऑन कैमरा मैराथन क्योंकि भाई मैराथन के लिए अलग से स्टूडेंट्स आते नहीं वो सोचते हैं कि भाई हम बाद में कर लेंगे तो पूरा एकदम देख के अलग 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 दिन रिकॉर्ड करना जोड़ना कंबाइन करना इट टेक्स अ हेल लॉड ऑफ टाइम एंड एफर्ट क्योंकि बहुत सारा ज्ञान मुझे बहुत कम शब्दों में फटाफट फटाफट समझाना है जो चीज़ मैं आराम से नौ क्लास आठ क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो मुझे एक क्लास के अंदर खत्म करना है तो इट रिक्वायर्स ह्यूज इंटेंसिटी ठीक है मेहनत उतनी होती है बस बोलने में रिकॉर्डिंग का टाइम कम आता है तो आज अगर प्रोफेशनल एथिक्स मुझे सपोज पढ़ाने में आठ क्लास या नौ क्लास लगे हैं तो मेरी मेहनत उतनी ही होती है पूरी पढ़ते वक्त उसको लेकिन रिवाइज कराने में वो दिखता है कि ओ सर ने तो तीन ही घंटा पढ़ाया मैराथन तो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम बट ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर यू तुमको रिविजन उससे क्विक हो जाएगा तुम यू विल लाइक इट तो ये दो चीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आप समझ लो आपका सेवेंटी खत्म सेवेंटी खत्म इसके बाद आपको क्या करना चाहिए जो नए चैप्टर्स आए हैं ना डिजिटल ऑडिट एंड ईएसजी इन तीन को अटैक इन दो चैप्टर्स को अटैक करना चाहिए इसके लिए इंस्टीट्यूट ने अलग से बोल रखा है तीन से छह मार्क का आएगा मतलब मैं साढ़े चार बोल रहा हूं साढ़े चार साढ़े चार मतलब आप जोड़ लो तो कितना हो जाता है नौ परसेंट का वेटेज तो आप समझ लो आठ से दस मार्क टाइप का इससे आएगा इन दो चैप्टर से ओके और फिर बाकी जितने चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं ग्रुप ऑडिट बैंक ऑडिट एन बी एफ सी ये वॉल्यूम टू में आता है वर्ल्ड वॉल्यूम थ्री में पी एस यू इंटरनल ड्यूरजेंस फॉरेंसिक ऑडिट ये सत्रह से चौबीस मतलब बीस पॉइंट फाइव परसेंट का वेटेज है तो ये आपके लिए लास्ट में है कि ये भाई मैं बाद में करूंगा ठीक है तो वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो क्लियर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव टू द स्टैंडर्ड्स सेकेंड टू पी एथिक्स डैट कवर्स 70%. परसेंट देन दू न्यू चैप्टर्स ऑफ दिलेबस दैट इज अगेन अराउंड टेन

जो नए आर टी पी एम टी पीस आते हैं वो भी कर लो ठीक है पर कभी भी ये एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जाम में मत जाना कि जो क्वेश्चन आंसर तुमने सॉल्व किए वही एग्जाम में आएगा फाइनल में ये चीज बहुत ज्यादा होती है फाइनल में क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं ना उसमें कई टर्म के स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम उसमें फर्स्ट अटेंडर्स नहीं होते फर्स्ट है, होते हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्योंकि फाइनल इज द लास्ट एग्जाम तो इंसान चाहता है अपना अजीजा लगाऊ हो जाओ कई जन तो जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें आप फाइनल का एग्जाम में पर्टिकुलर बोल रहा हूँ आपको इसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे एग्जाम हॉल में जो पाँच साल से एग्जाम दे रहे हैं मे बी मोर मोर देन फाइव ईयर्स से एग्जाम दे रहे हैं वो सब मिलेंगे और वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी फेडअप हो गए पढ़ते पढ़ते तो वो क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर का कोई भी बुक जो मिलता है स्कैनर जो मिलता है वो खरीदते हैं उससे पढ़ना चालू करते हैं पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है जितना ज्ञान पढ़ो उतना कम है लेकिन पढ़ के ये उम्मीद करना कि बॉस यही क्वेश्चन आंसर की किताब मैंने पढ़ी है इसी से छप के मेरे में एग्जाम आएगा गलत इंस्टीट्यूट हर बार नया क्वेश्चन बनाएगी ये न्यू सिलेबस है न्यू सिलेबस में पेपर पैटर्न टॉपिक्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो सब चेंज होगा तो बी प्रिपेयर कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आएगा आप अपनी तरफ से 100 परसेंट कवर करके जाओ और एक्सपेक्ट करो कि हाँ जी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आएगा हम संभाल लेंगे पहली बात दूसरी बात है हु बहू लैंग्वेज कि भाई ये क्वेश्चन आंसर की किताब है इसमें ये लैंग्वेज है यही अपने को लिखना है यही अपने को छापना है असंभव है क्लास में मैंने छह किताबें दी थी तीन कलरफुल थियरी बुक और तीन क्वेश्चन बैंक वो तीन क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लंबे लंबे छोटे मोटे सब मैंने डिस्कस किया तो मैंने बोला था उसमें मार्क भी किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और मैंने बोला था कि एक स्टूडेंट के लिए लगभग असंभव है कि वो यही आंसर छाप के आए कोशिश करो की याद करने का और मेन टॉपिक्स याद करके उसको फिर सुंदर से लिखने का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हर आंसर छापना चाहोगे दस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वो हो नहीं पाएगा तो कोशिश ये करो कि टॉपिक को जब पढ़ो तो जितने भी मैंने पढ़ाते हो रिवाइज कराया रिवीजन में भी दिख जाएगा आपको मैराथन के अंदर भी कि सारे की वर्ड ऑनलाइन के लिखे हैं लर्न दो वर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो रिवाइज करते जाओ वो, वो की वर्ड तुम्हारे पूरे बॉडी में घुस जाने चाहिए और जब लिखने बैठो तो वही धन 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 निकलना चाहिए वहाँ पे दैट विल हेल्प योर लॉट रादर देन कि हर क्वेश्चन का जो स्पेसिफिक आंसर है वो लैंग्वेज रट्टा मारो बिकॉज सर वो ाम रट्टा मार पाएंगे और नाम जाके लिख पाएंगे और मैक्सिमम केसेस में ये जो के जो क्वेश्चन आंसर्स आंसर्स के होते हैं ये गड़बड़ होते हैं कारण क्यों होते हैं गड़बड़ आईसीआई क्वेश्चन सेट करता है उनका उनका स्टाइल क्या होता है दे ओपन द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक दिखी पहले आंसर बनता है फिर क्वेश्चन टॉपिक दिखी बोले ये आंसर है इसी पे एक कहानी बना देते हैं बना के डाल दिया अब उन्होंने तो आंसर को देख के क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं तो उस वजह से क्या होता है वो अपने सजेस्टेड आंसर में तो यही आंसर छाप देंगे पर ये एग्जैक्ट आंसर ये कोई परफेक्ट या सही आंसर नहीं है कई आंसर तो लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं जिसमें घुमा घुमा के बात बोली जा रही है मेन बात बोल ही नहीं रहे कि भाई मेन आंसर ये है बस गोल 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 घूमना चल रहा है तो उस तरह का आंसर कोई कैसे याद रखे आपको याद वो रहता है जहां कॉन्क्रीट चार पांच बातें हो जहां एक ही बात को घसड़ घसड़ के लंबा पैराग्राफ बनाया जा रहा है हाउ आर गोइंग टू मेमोराइज दैट तो ये मत अपने आप से बोझ लगाना अपने ऊपर कि मेरे को ये पूरा तोता करना है नहीं मेन बात को पकड़ो याद करो वही लिख के आओ बिकॉज सर एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आएंगे सेम चीज नहीं आती है ये फाइनल लेवल का एग्जाम है कॉमर्स में तो मेरे ख्याल इस से इससे टफ एग्जाम हो नहीं सकता फाइनल लेवल से ज्यादा तो कुछ नया आएगा कुछ अनोखा आएगा तुम तैयार हो एंड बी प्रिपेयर की कुछ भी आएगा मैं अच्छे से अच्छे अच्छे पॉइंट बना के लिखूंगा छापा छापी वाला काम की कोशिश मत करना मैं आज क्लास के अंदर हंड्रेड परसेंट कवरेज कराता हूँ मैं कितनी बार बोलता हूँ ये बात कि मैंने पूरा आई सी ए का मटेरियल हंड्रेड परसेंट कवर कराया उनके क्वेश्चन कवर कराए फिर भी मैं तुमको बोलता हूँ कि यार वहां पर जो आएगा कुछ नया आएगा हो सकता है कुछ ऐसा नया पूछ लें जिसका आंसर भी तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा हाँ तो फाइनल एग्जाम है फाइनल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बुक से छप छप के थोड़ा आएंगे ये बोर्ड एग्जाम बी कॉम चल रहा है क्या तो कुछ तो नया आएगा तो तुम अपने माइंड को तैयार करो कि कैसा भी आएगा हम पढ़ लेंगे हम लिख पाएंगे हम अच्छा आंसर लिखेंगे आई राइट अ क्वालिटी आंसर विद प्रॉपर कॉन्क्रीट बुलेट्स एंड पॉइंट्स आई जस्टिफाई माई एक्सप्लेनेशन टू दैट क्वेश्चन वो टेक्निक होनी चाहिए और 100 परसेंट कवरेज से क्या होता है मन में वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने तो पूरा पढ़ा है ना तो तुम जो पूछोगे वो यहीं से है और अगर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आता तो फिर वो किसी को भी नहीं आता दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ 100 परसेंट कवरेज कि अपने को सब आता है और अगर कुछ नहीं आता तो वो फिर किसी और को भी नहीं आता वही तो चाहिए एक स्टूडेंट को एग्जाम में आंसर देते हो तभी तो वो कॉन्फिडेंटली ओके बढ़िया 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 पॉइंट्स और बुलेट्स लिख के आ पाएगा तो जिनका भी एग्ज़ाम है मैं उनको बोलूँगा कि ग्रुप वन में फाइनल में अकाउंट्स एफ तो चलो ठीक है एफ और ए का पेपर ऑडिट पेपर सबसे टफ थियरी है इसको प्लीज ऐसे छोड़ मत दो आज तेईस तारीख है एग्जाम के पहले तक डेली मैं बोलूंगा कम से कम डेली लास्ट के दो दिन छोड़ दो इस एफ में ही तुम दोगे उसके पहले तक डेली कम से कम तीन घंटा ऑडिट को जरूर जरूर डेडिकेट करो वो लैंग्वेज तुम्हारे अंदर बसनी चाहिए रचनी चाहिए उससे क्या होगा जब ऑडिट एग्जाम के पहले डेढ़ दिन का जो गैप मिलेगा ना उसमें जब तुम रिवाइज़ करोगे तो तुमको वो मतलब कंफर्टेबल लगेगा अनटच नहीं लगेगा तुम ऑलरेडी रिदम में रहोगे और रिदम में अगर रहोगे ना तो फिर रिविज़न करना बहुत स्पीड पकड़ लेता है अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि हम डेढ़ दिन में कैसे रिवाइज करें अरे आप आप अगर पहले से पढ़े हुए हो ये एग्ज़ाम के पहले वाले जो दो महीने होते हैं सितंबर अक्टूबर इसमें अगर आपने अच्छे से पूरा पढ़ा है तब तो आप डेढ़ दिन में पढ़ पाओगे यार कोई भी इंसान पहली बार ही पढ़ेगा और डेढ़ दिन में ये तो हो नहीं सकता मल्टीपल टाइम आप पहले पढ़ते हो तब आप एग्जाम में डेढ़ दिन में पढ़ पाते हो मैं भी तो आज हर क्लास जब लेता हूँ उसके पहले मुझे रिवाइज़ करना पड़ता है पर सोचने वाली बात है डू आई टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग लाइक अ स्टूडेंट और आई टेक मच लेसर टाइम मच लेसर टाइम बिकॉज सर प्रैक्टिस बार बार पढ़ने से वो टाइम कम होते जाता है कोई आपको यह नहीं बोल रहा है कि आप जीवन में पहली बार ही ऑडिट की किताब उठाओ और उसी डेढ़ दिन में पढ़ के जाओ नहीं वो तो असंभव है सर ना उसमें मोटी किताब होगी ना उसमें छोटी किताब होगी वो तो पहले से बार बार रिविजन क्या हो रहेगा तभी होगा तो अब हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां पर सबसे सेफ क्या है डेली तीन घंटे ऑडिट कम से कम देखो उससे लैंग्वेज और रिदम रहेगा और फिर एग्जाम के डेढ़ दो दिन में तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओगे अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर ये चैप्टर वन टू इलेवन स्टैंडर्ड्स का और पी का डाल रखा है ये तुम फटाफट देख लो इससे तुमको काफी फायदा मिलेगा आई थिंक तुम अगर अभी से देखना चालू करोगे ना तो ये एम एम वन और एम एम टू मिला के आई थिंक चौदह पंद्रह घंटे का कुछ होगा और ये तीन घंटे का होगा सत्रह अठारह घंटे मतलब दो दिन के अंदर तुम्हारा सत्तर परसेंट ऑडिट रिवाइज हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सर ये चैप्टर्स का भी आप ले लो मैं इन चैप्टर्स का भी मैराथन एग्जाम के पहले तक ही आई थिंक विद इन दिस मंथ मैं एक एक चैप्टर बाई चैप्टर ले लेके पुट करता रहूँगा सी टेकिंग दिस रिविजन एंड मैराथन टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम मैं मेरा मैराथन हल्के लेवल का शैलो मैराथन नहीं होता कि मतलब बोलने को अगर तुम बोलोगे सर अभी आप बैंक वाइट पढ़ाओ मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ पर वो पढ़ाने में और पूरा एफर्ट डाल के मैराथन पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है आई एम टेलिंग यू आप कंपेयर कर सकते हो ओपन इसमें कोई झूठ बात नहीं है मैं ओपन बोल रहा हूँ कोई भी चैप्टर जिसका मैंने मैराथन लिया है तुम मेरा मैराथन देखो सुनो समझो और फिर तुम कोई भी और वैसा मैराथन तुम उसी चैप्टर का देखो तुमको फ़र्क दिखेगा फर्क 19-20 का नहीं होगा आई एम टेलिंग यू फर्क दो और 20 का मिलेगा तुमको लेवल में तो अल्टीमेटली सारी मेहनत किसके लिए हो रही है वो क्वालिटी वो आपके लिए तो हो रही है बढ़िया क्वालिटी कंटेंट रिविजन होगा बढ़िया मार्थ होगा तभी तो फायदा होगा वरना तीन घंटे देख लिए और फायदा भी नहीं हुआ तो सेंस क्या बना तीन घंटा बल्कि नष्ट हो गया उससे भी तो किताब खोल के पढ़ लेते ना तो इट टेक्स हेल ऑड ऑफ टाइम फॉर मी टू रिवाइज इन मैराथन करने में तो ये बाकी चैप्टर्स का भी मैं पूरा पीछे पढ़ा हुआ कि एक एक करके धनादन धनादन अपलोड कर दूँ ताकि एग्जाम के पहले तुम्हारा वो भी खत्म हो जाए ओके okay. मेरा सपोर्ट फाइनल ऑडिट के एग्जाम डे तक बना रहेगा इट्स नॉट दैट कि ओनली दिस मंथ दिवाली के पहले तक नहीं दिवाली तक तो आई एम ट्राइंग कि ये हो ही जाए और इनफैक्ट दिवाली के बाद भी जब एग्जाम चालू हो जाएंगे तुम्हारे दो या तीन तारीख एग्जाम थोड़े पोस्टपोन हुए हैं रिशेडल है तो फाइनल ऑडिट का एग्जाम डे तक जो है ना उस दौरान भी मैं तुमको पूरा सपोर्ट करता रहूंगा रिवाइज कराता रहूंगा ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स